धमतरी के ग्राम दुगली समेत आसपास के किसानों ने धान खरीदी के लिए उपार्जन केंद्र खोलने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन की शुरुआत की। इस मौके पर एक से अधिक ग्राम पंचायतों के सैकड़ों किसान प्रतिनिधि मौजूद हैं। वहीं मौके पर पहुंचे अफसरों की समझाइश के बाद भी किसान धमतरी कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़ गए। किसानों ने कहा कि दुगली में धान उपार्जन केंद्र खोलने से आम किसानों को समुचित लाभ होगा और वहीं आसपास के सभी किसानों ने वन विभाग के मिस्ड चैम्बर के बाजू की खाली जमीन को खरीदी केंद्र के लिए चयनित भी किया है। किसानों के आंदोलन से धमतरी नगर मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है और ट्रकों की कतार लगी हुई है। हमारे किसानों का विशेष मांग है यहाँ पे धान खरीदी केंद्र खोलने का। हम शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराए लेकिन शासन प्रशासन हमारे आवेदन को स्वीकार नहीं किया और आज हमें मजबूर होकर के रोड पे उतरना पड़ा है। जब तक हमारी मांग धान खरीदी केंद्र के दुगली में नहीं हुई तो हमारा सत्याग्रह चालू रही। पर मोर एक कहना है, स्वर्गीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जी के गोदग्राम में सत्याग्रह करना पड़ा थे, जबकि यहाँ के विधायक कांग्रेस के, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार है, अतरा अह नहीं करना पड़ती सत्याग्रह। किसानों की मांग है जायज है, क्योंकि इस क्षेत्र में बने को समस्या है। ये जो 6 ग्राम पंचायत है, 6 ग्राम पंचायत का सभी वन ग्राम है। वन ग्राम के किसानों को ये सुविधा नहीं मिलने के कारण 20 वर्षों से मांग यहाँ के किसान कर रहे हैं। अभी भी हमारे 6 सरपंच और जनता सदस्य जाकर कलेक्टर महोदय से चर्चा बार मिले हैं, मांग किए, उसके बाद भी कलेक्टर साहब अभी तक इसके बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाया है।